किचन एंड ब्लॉग। तभी मैं बना रही हूँ खीमा और गवार, बड़े का गोश्त का खीमा है और मैं इसमें गवार डाल के बनाने वाली हूँ। तो मेरी रेसिपी आप लोग पूरी देखिए, चलिए किचन में किस तरह बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए ये पाव किलो खीमा है, हड्डी वाला खीमा लिया है मैंने, जिसको दर दरा ऐसे कूट के लिया है। इसको मैंने धो के साफ करके अच्छी तरह रख लिया है छन्नी में। और ये है गवार, थोड़ी सी ली मैंने। और ये तीन प्याज है, जिसको मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। और ये हरा धनिया और एक टमाटर, और ये पिसा हुआ अदरक, और ये है तेल, एक चम्मच धनिया पाउडर है, एक चम्मच छोटा चम्मच है ये, एक चम्मच तेज वाला मिर्ची पाउडर, और एक कश्मीरी मिर्ची पाउडर है जो तेज़ नहीं होता है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, छोटा सा मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर लिया है पिसा हुआ, और ये नमक। अभी गैस पे हम बर्तन रख देंगे। खीमा बनाने के लिए मैंने गैस पे कुकर रख दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे तेल। कुकर को पहले हम थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर तेल डालेंगे। तीन चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। अब डालेंगे हम इसके अंदर प्याज। इसमें प्याज को हम थोड़ा सा ही लाल करके लेंगे, ज्यादा नहीं। अब इसके अंदर डालेंगे हम एक टमाटर जो हमने काट के रखा था, वो टमाटर डाल देंगे। इसी के अंदर हम अदरक लहसुन भी डालेंगे। एक चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। ये जो सब मसाले हैं ना, वो भी इसके अंदर सब डाल देंगे। साथ में हम इसके अंदर खीमा भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा हम बाद में डालेंगे जब हम इसमें गावर डालेंगे ना, तब हम बाद में इसमें थोड़ा डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और ढक्कन लगा के खीमे को दो सीटी होने तक ढक्कन लगा के रखेंगे। और दो सीटी होने के बाद हम गैस को कम कर देंगे, कि बाद में थोड़ी देर के बाद में गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारा खीमा अच्छी तरह गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे गवार, जो हमने धो के ले लिया है गवार को भी। बिस्मिल्लाह, अब उसमें डालेंगे ये थोड़ा सा हमने बचा के रखा था ना हरा धनिया, वो भी अब इसके अंदर हम सब डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। एकदम मस्त बनता है, आप लोग भी जरूर ट्राई करिए मेरी रेसिपी। एक कप पानी लिया है मैंने, ये पानी हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे, क्योंकि अभी हमारी गवार बाकी है। तो इतने पानी में हमारी गवार भी अच्छी तरह गल जाएगी। चलिए अभी हम इसको रखेंगे गैस पे, दो सीटी आने के बाद मैं गैस को कम कर दूंगी। 5 मिनट के बाद में मैं गैस को बंद कर दूंगी। गैस पे मैंने कुकर रख दिया है, अभी दो सीटी होने दूंगी, फिर गैस को मैं थोड़ा कम करूंगी
बाद में मैं 5 मिनट के बाद कम करने के बाद में मैं बंद कर दूँ। देखिए एक सीटी हो गई है, अभी दूसरी सीटी और होने के बाद मैं गैस को कम कर दूँ। अब हम गैस को कम कर देंगे। हमारा एकदम अच्छी तरह पक के तैयार हो गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए एकदम मस्त बना है, और आप लोगों को एक डिश में भी निकाल के दिखाती हूँ। खीमा गंवार हमारा बनके तैयार है। और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।